खबर मुरादाबाद से है। शहर अमन कमेटी करती है प्रशासन को सहयोग। अमन व शांति के लिए तत्परता से कार्य करने वाली एक समाज सेवी संस्था ऐसी भी है, जो कि शहर की अमन व शांति के लिए अपना चैन, सुकून और नींद को कुर्बान कर प्रशासन के सहयोग के लिए हर त्यौहार पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद की समाज सेवी संस्था शहर अमन कमेटी की, जिसके सभी वॉलेंटियर्स हर त्यौहार को आपसी मेल मोहब्बत के साथ संपन्न कराने में मुरादाबाद जिले के प्रशासन को भरपूर तरीके से सहयोग करती है। चाहे वह ईद हो या दीपावली, हर अवसर पर तैयार रहती है। आज भी जब मुहर्रम का पर्व चल रहा था तो जामा मस्जिद से लेकर करबला तक 80 से 90 वार्डन शहर अमन कमेटी के कार्य कर रहे थे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रिचर्ड सिंह है और शहर अमन कमेटी का संस्थापक। अरे सर, जो आपकी कमेटी है शहर अमन कमेटी, ये जो कार्य करती है, इसके लिए वॉलंटियर्स को आपने क्या क्या दिशा निर्देश दिए हैं? हमारे निर्देश होते हैं कि रोड के ऊपर यातायात को संभालना मेन उद्देश्य रहता है हमारा, यातायात को संभालना। किसी भी धर्म का जब त्यौहार चल रहा हो तो उसके अंदर दूसरा धर्म या बाइक लेकर लोग ज़्यादातर इन्वॉल्व हो जाते हैं, उससे कोई नुकसान ना हो जाए और जिससे कि माहौल बिगड़ जाए, तो उस पर हम काम करते हैं। अरे मुहर्रम के दिन, मुहर्रम का दिन है और भीड़ तादाद से ज़्यादा है, तो इस भीड़ को काबू करने के लिए क्या दिशा निर्देश अपने अपने वॉलंटियर्स को दिए? ये कर रखा है कि हर चौराहे चौराहे पर जो हमने टीमें लगा रखी हैं छोटी छोटी, 5-5 10-10 आदमियों की, तो जो बाइक से लोग आ रहे हैं उन्हें डिवाइड कर रखा है, जो कि मेन रोड है जिससे मुहर्रम जानी है उससे डिवाइड करके अलग से को कर देते हैं। इनका चौराहे पर आपके द्वारा कितने वॉलंटियर्स लगाए गए? हमारे पास इस रोड पर इस वक्त करीबन 80 से 90 लोग लगे हुए हैं, जो कि करबला तक हैं। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जनकल्याण न्यूज़।